हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएई ने अभी इंडिया से फ्रॉम 20 अगस्त पार्शियल बैन हटा दिया है। ये कंप्लीट बैन नहीं हटा है, अभी भी पार्शियली ये बैन हट गया है। सब लोग अभी भी दुबई नहीं जा सकते जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है या जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुबई ने या यूएई के किसी और अमीरात ने टूरिस्ट वीज़ा अभी ओपन नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन लोग अभी यूएई ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप इंडिगो वेबसाइट पर देख सकते हैं कि उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई, तो उसमें वो लोग कवर किए जाएंगे इस वीडियो में जो लोग दुबई जा सकते हैं। तो जिनके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है और वो इंडिया में हैं, वो लोग दुबई जा सकते हैं। या फिर वो लोग जो मेडिकल फोर्स के पार्ट हैं, जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर्स, मेडिकल टेक्नीशियन, नर्सेस वगैरह, जो लोग एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टीचर्स या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, स्कूल के स्टाफ, या वो बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, या फिर उन लोग को जिनको यूएई गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वीज़ा दिया हुआ है फैमिली रीयूनियन के लिए, और जो कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं वो भी अभी ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमें वैसे बाकी किसी कैटेगरी से मतलब नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ यूएई रेजिडेंट वीज़ा होल्डर से कि वो लोग किस तरह से जाएंगे, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो दुबई में ट्रेवल करने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए दोनों डोज, और दोनों डोज लगे हुए 14 दिन होना चाहिए, चाहे वो वैक्सीन यूएई में लगी हो या फिर इंडिया में लगी हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है दुबई के लिए। वैक्सीन के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका वीज़ा एक्टिव और ग्रीन होना चाहिए। ये दुबई के लिए आमेर की वेबसाइट पे मैं इसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, और एक और डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा कंप्लीट मैं ये बताऊँगा कि कैसे वीज़ा स्टेटस चेक करा जाता है। तो वो वीज़ा ग्रीन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और ओवर स्टे यानी कि उनको इंडिया आए हुए 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लोग दुबई ट्रेवल कर सकते हैं। और दुबई ट्रेवल करने के लिए उनको GDR पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका वेबसाइट में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वो आप उस वहाँ से चेक कर लेंगे। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे GDR पे अप्रूवल ऑब्टेन किया जाता है। तो GDR पे अप्रूवल होना चाहिए, दोनों डोज लगी होनी चाहिए, 14 दिन वैक्सीनेशन को कम्प्लीट हुआ होना चाहिए, वीज़ा एक्टिव होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और ओवर स्टे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दुबई ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट पे 48 घंटे पहले ICMR अप्रूव्ड लैब से ही, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ इसमें फ्रॉड हो रहा है, लोग ICMR अप्रूव्ड लैब से नहीं, कहीं और से अपना RT-PCR टेस्ट करा ले रहे हैं और उस पर बारकोड होता नहीं है, फिर वो उनको बोर्डिंग डिनाई कर दी जाती है एयरपोर्ट पे। तो आप ये ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि आपको जो आप RT-PCR करा रहे हैं जहाँ से, वो लैब ICMR अप्रूव्ड होनी चाहिए, और आपका जो रिपोर्ट है उस पर QR कोड होना चाहिए जो स्कैनेबल होना चाहिए एयरपोर्ट पे, वो स्कैन होना चाहिए। ये आप खुद ही अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कैमरा के थ्रू, अगर आपके कैमरे में इनबिल्ट QR कोड रीडर होगा तो रिपोर्ट आपके मोबाइल में एज इट इज़ खुल के आ जाएगी, जैसा कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में होगी, उसमें आपकी सारी डिटेल होंगी। सारी डिटेल आप करेक्टली मैच कर लीजिएगा, अपना नाम, अपना पासपोर्ट डिटेल्स उसी के हिसाब से होना चाहिए, वो आपके रिपोर्ट में भी वही मेंशन होगी, और जो आपके मोबाइल में खुल के आएगा वो भी उसमें भी वही सेम चीज़ें वैसी ही दिखाई देंगी आपको। और अगर आपके मोबाइल में कैमरे में इनबिल्ट कैमरे में इनबिल्ट QR कोड नहीं है रीडर, तो आप कोई भी प्ले स्टोर से या iOS से, एप्पल स्टोर से आप QR कोड रीडर डाउनलोड कर सकते हैं 48 आवर्स पहले फ्रॉम द सैम्पलिंग, जब आप अपने टेस्ट करवा रहे होंगे उस टाइम से काउंट होगा, रिपोर्ट किस टाइम मिलती उससे मतलब नहीं है। आप जिस टाइम से अपना सैंपल देंगे उससे 48 आवर्स तक वो रिपोर्ट वैलिड रहती है, और रिपोर्ट अरबिक या फिर इंग्लिश में ही होनी चाहिए। तो ये तो RT-PCR की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा एयरपोर्ट पे, जिसका एक्सपेंसेस आपको खुद ही पे करने होंगे यहाँ पर भी, और जब आप UAE पे लैंड करेंगे तो वहाँ पे भी आपका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, वो सब नेगेटिव होना चाहिए। वैक्सीन और जब GDR पे अप्रूवल, ये सब सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप दुबई ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें देखिए ये लिंक भी दिया हुआ है कि कैसे आप अपना रिटर्न परमिट ले सकते हैं, यानी कि GDR पे अप्रूवल ले सकते हैं। GDR पे अप्रूवल अगर कुछ लोग पहले इंडिया में आए थे, क्योंकि फ़्लाइट 20 अगस्त से स्टार्ट हुई है, तो 5 अगस्त से पहले का अगर आपके पास अप्रूवल है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको नया अप्रूवल लेना पड़ेगा।
अगर आपका अप्रूवल 5 अगस्त, आपके रिटर्न परमिट पे डेट पड़ी हुई कि प्रोवाइडेड ऑन 5 अगस्त, तो वो माने नहीं होगा, आपको दोबारा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। बाकी इसमें सब नॉर्मल वही चीज़ें हैं कि जो भी दुबई जा रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके पास नेगेटिव PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए 72 आवर्स बिफोर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 48 आवर्स का ही उसमें टाइम लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी डिटेल्स बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती हैं। और आप लोग को एक COVID-19 दुबई स्मार्ट ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो दुबई में एंटर करने से पहले एक QR कोड जनरेट करेगी। तो ये लिंक दिया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि कैसे ये ऐप डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड से या iOS से।